देसी हांडी बिरयानी बनावे काजे दोस्तों, सबसे पहले लेंगे हांडी। अब जहाँ में 2 चम्मच के करीब बड़ो चम्मच तेल डालेंगे। तो दोस्तों तेल जो है दो बड़े चम्मच डाल लो जहाँ में, और अब जो है जाए गर्म होने देंगे अच्छे तरह। तो दोस्तों तेल हमारा लगभग गर्म है गो है, रुको लाइट जला लेंगे हो, अब दिखाई देगो अच्छे तरह। और बाकी बीच में बच्चा के रोवे चीखवे चिल्लावे की आवाज़ आ सकते हैं, चौंके घर में छोटो बच्चा है। अब दोस्तों सबसे पहले जहाँ में खड़े मसाला डाल देंगे, तो जहाँ में तेज पत्ता है और दालचीनी है, लाल मिर्च है सूखी और काली मिर्च है, और लौंग है 3-4 लौंग, थोड़ी सी काली मिर्च। अब जिन्हें पहले नेक फ्राई कर लेंगे। और जो हांडी मट्टी की होती है, तो जहाँ में लकड़ी बारो यूज करें। गैस दोस्तों तो हमें मीडियम रखनी है, बहुत ज़्यादा ना तेज धन रखनी है और ना बहुत ज़्यादा धीमी। अब जो मसाले ना एक चटक जाए वहाँ खड़े मसाले, बाकी बार जहाँ में डालेंगे प्याज। तो ये 3 हमने लगे हैं प्याज, और पहले बता देते हैं चिकन हमारा हुआ है लगभग 600 से 700 ग्राम, बाकी हिसाब से हम बना रहे हैं। और जो अब हमने जहाँ में 3 प्याज ले ली है मीडियम साइज़ की कटी हुई बारीक, दिख रही होंगी तो हमें, और जहाँ में अब डाल देंगे इन्हें। तो प्याज है दोस्तों अच्छे से भून लेंगे जहाँ में हम। दोस्तों हम जो ये बना रहे हैं देसी हांडी बिरयानी बना रहे हैं, बिल्कुल बिरयानी तो सूखी सूखी रहती है, नॉर्थ इंडियन है पसंद ना आती है जो बिल्कुल एकदम सूखी वारी, तो थोड़ी गीली गीली बनाएंगे हम जहाँ में, गीली गीली वारी बनाएंगे ताकि खावे में आसानी तक खा सकें। दोस्तों जाके बाद नेक प्याज हमारी भुन जाएगी, जाके बाद जहाँ डालेंगे हम जो जिंजर गार्लिक को पेस्ट। तो जो जिंजर गार्लिक को पेस्ट, ये छोटी सी चम्मच है, मतलब 1 चम्मच भर के डालना है, जो छोटी है तो हम 2 बार डाल रहे हैं। जाओ वो प्याज के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे, ये देखो ऐसे। बाके बाद जा मैं दोस्तों जो है हम डाल लेंगे हरी मिर्च कटी हुई, 2 मिर्च ऐसी काट लेंगे छोटी छोटी, और जिन्हें डाल लेंगे इन्हें जिनके साथ अच्छे से भूनेंगे। दोस्तों सब चीज़ थोड़ी अच्छे से भुन गई है, अब जहाँ में डालेंगे 2 टमाटर की प्यूरी। प्यूरी बोले तो कचू ना करना, वो मिक्सी में डाल के चला लेना, वो पेस्ट बन जाएगा, बाह्य प्यूरी कह देते हैं। और अच्छे से जाओ जाके संग भून लेंगे टमाटर प्याज और सब चीज़। दोस्तों अच्छे से जाए हम भून लेंगे अपने मसाले, सारी चीज़ बढ़िया से भुन जानी चाहिए। जा मैं दोस्तों अब डालेंगे हम अपने मसाले, मसाले थोड़े थोड़े कम डालेंगे, चौं डालेंगे वो आगे बताएंगे। तो सबसे पहले हल्दी ले रहे हैं 1/2 चम्मच, बाके बाद ले रहे हैं हम जा में लाल मिर्च, वो ले रहे हैं 1 चम्मच भर के। धुआं थोड़ा ज़्यादा है, रहा का करें, फूंक मार के कम करने की कोशिश कर रहे हैं। मिर्च डालिए, बाके बाद डालेंगे धनिया, वो 1 चम्मच डाल देंगे। और धनिया के बाद डालेंगे हम दोस्तों गर्म मसालों जा में 1/2 चम्मच, बाकी बाद जो है गरम मसालों डाल रहे हैं 1/2 चम्मच, और नमक डालेंगे जहाँ में स्वाद अनुसार वैसे, पर फिलहाल 1 चम्मच डाल रहे हैं। और मसाले अपने अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं दोस्तों, और कम चो डालें जो वो भी बताते हैं। तो जहाँ में मसाले वो हमारे अच्छे से पकने चाहिए, तो अब जहाँ में क्या करेंगे नेक पानी डाल देंगे हम, ताकि वहाँ मसाले जले ना चूँकि सूख गो है। तो दोस्तों जहाँ में नेक पानी डाल देंगे हम, बहुत ज़्यादा ना डालना अभी पानी, अभी थोड़ा सा डालना है। और बाकी बात जाए क्या करेंगे अच्छे से मिक्स करके ढक देंगे, ताकि हमारे मसाले वसाले सब चीज़ अच्छे से पक जाए। तो 5 मिनट के लिए जाए ढक देंगे जाके बाद। देखो जो मैंने कर दो, हमने पहले ही कही कि भैया चीख भी चिल्ला के आवाज़ आ सकते हैं पीछे तक, तो बाकी लिए परेशान ना हो। आ रहे हैं लला, आ रहे हैं, रुको रुको। तो जाए पानी में डाल के अब जाए ढक दे रहे हैं थोड़ी देर का, जाए अब ढक दे रहे हैं दोस्तों 5 मिनट के लिए। गैस ने कम कर देंगे मीडियम से, चौंकी ढको है। अब दोस्तों मसाले जब हमें नेक कम डाले, चूँकि हमारे मैरिनेशन में वो मसाले जो हमने रात ही मैरिनेट कर दो, प्लान है तो ना हो बनाने को, पर रेसिपी बना दे रहे हैं अब। जैसे रात ही मैरिनेट कर दो जहाँ में हल्दी मिर्ची धनिया गरम मसालो नींबू, और जहाँ में दही, दही में ये भयो है जो मैरिनेट, और जहाँ में नमक हुए और जिंजर गार्लिक पेस्ट, सब थोड़े थोड़े मसाले जहाँ में डाल के हमने रात ही जो मैरिनेट करके फ्रिज में धर दो, पूरी रात को मैरिनेट है लगभग 700 ग्राम है। रुक जा रहे, रुक जा मम्मी। अब देख, हाँ आ रही है मम्मी, रुक जा। तो जहाँ में क्या करो हमने,
जहाँ में 1 किलो चिकन हो जाए, बाद में 6-7 पीस हम रात ही खाएगा, बाकी हमने मैरिनेट कर दो तो 600-700 ग्राम हो जाए कम से कम। दोस्तों 5 मिनट रह गए हैं लगभग, अब जाए हम खोल लेंगे देखो, और काऊ कपड़ा तो पकड़ के खोलें या तो हैंडल हो गया तो ज़्यादा अच्छी बात है। और बाकी बात जो है देखो, जो पानी काफ़ी हद तक जल गया है, अब जाए अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमारे मसाले जो है जहाँ में पक गए हैं देखो, दिख रहे होंगे तेल अलग है वे लगो है, और हमारे जो है मसाले जहाँ में पूरी तरह से पक गए हैं। अब जाके बाद जहाँ में अपना सारा चिकन डाल देंगे, अब सारा चिकन डाल के अच्छे से मिक्स करेंगे। अब दोस्तों देखो, जहाँ में जितना डोंगा में चिकन हो, ये डोंगा जीरो हम हो, ये सारा हमने मैरिनेशन के साथ जहाँ में डाल दो है, नेक पानी हिला के, नेक बार डोंगा में पानी हिला के पूरा चिकन जहाँ में डाल देंगे दोस्तों, और बाकी बाद जाए अच्छे से मिक्स करके पकाएंगे। अब कहा है कि हमें ही कैमरा पकड़ना पड़ रहा है, बालक ज़्यादा रहोगे तो कहा हमारी बीवी लेकर चली गई है बाहर। अब बिल्कुल अच्छे से जाए मिक्स करेंगे और बढ़िया सा पकाएंगे, जहाँ में भूनेंगे बढ़िया से। जे दोस्तों मैंने जहाँ में अच्छे से जाए मिक्स कर दो है, और जो बुलबुला दिख रहे होंगे तो मैं मीडियम फ्लेम रखनी है, और बढ़िया से मिक्स करने के बाद जाए हम ढक देंगे, और बहुत ज़्यादा टाइम ना लेगा हमारा चिकन, चूँकि पूरी रात भर को मैरिनेट है, तो रात भर को मैरिनेट हो बहुत जल्दी पक जाओ जासू। अब जाए हम जो है 5-7 मिनट को ढक देंगे, एक बार अच्छे से बढ़िया से मिक्स करें 5-7 मिनट के, ढक के रख देंगे जाए। ये देखो जाए हम ढके दे रहे हैं, और ढक के अब धर देंगे जाए कम से कम 5 से 7 मिनट के लिए। दोस्तों 5 से 7 मिनट रह गए हैं, और अब देखो जाए खोल के देखते हैं का हाल हुआ जाको। अरे भैया बहुत ही गर्म है, और बाकी बात जाए चला लेंगे, देखो नीचे ऐसा लग रहा है ना एक चिपक को, धुआं बहुत आ रहा है, क्या करें, अब चिमनी चला सकते हैं पर फिर आवाज़ ना आएगी। अब जाए तो चिमनी ना चला रहे, और जाए के बाद जो है जाए अच्छे से मिक्स करेंगे। देखो काफ़ी हद तक ऐसा लग रहा है कि चिकन पक गया है काफ़ी हद तक, क्योंकि पूरी रात मैरिनेट रहे हो तो ज़्यादा टाइम ना ले वो। अब जाए धीरे धीरे खुल्लो ही पकाएंगे, एक बार और ढकेंगे थोड़ी देर में। दोस्तों अच्छे से जाए एक बार मिक्स दे दो है 5 मिनट बाद खोल के, ताकि चिपकवे को डर ना रहे, वैसे चिपको ना हो मुझे लग रहा हो पर चिपको ना। तो अब जाके बाद जाए 5 मिनट का जो और ढक देंगे, तो बाँ में हमारा चिकन लगभग लगभग है जावे वो, तो जाए ढक दे रहे हैं एक बार फिर से 5 मिनट का जाए, और संभाल के खोलें, मेरे हाथ जल गए अभी, संभाल के खोलें। दोस्तों 7-8 मिनट रह गए हैं जाए ढके, अब खोल के देखते हैं, बहुत ध्यान से खोल लो है। ये दोस्तों 7-8 मिनट जाए ढके है गए, अब देखो काफ़ी हद तक हमारा चिकन जो है पूरा पक गया है ऐसा लग रहा है। ये देखो जाके पीस है, ये एकदम छोड़ हुए लगो है लेग पीस हो तो लगभग पक गया है। पानी हमें थोड़ा ज़्यादा लग रहा है, दही ने अपना पानी छोड़ दो है, तो थोड़ा सा अब खोल के पानी नेक जला लेंगे, बाकी हमारा जो ये चिकन वाला पार्ट है तैयार है। अब थोड़ी सी गैस तेज करके हम पानी नेक जला लेंगे, जाको गैस तेज नेक पानी जाको थोड़ा कम है जावे, बाकी बाद फिर आगे को प्रोसेस करते हैं। ये देखो दोस्तों गैस जाके मैंने नेक कम कर दी है, और पानी हमारा काफ़ी जल गया है तो थोड़ा इतना रहना चाहिए। अब जो मैंने स्टील वाली ली है, जाते हम जा में अपनो आधा चिकन निकाल लेंगे एक डोंगा में, तो आधे निकाल ले रहे हैं। जो देखो आधो मैंने जा डोंगा में निकाल लो चिकन अलग से, और आधो जा में रह गए। अब हम जा में बिरयानी की अपनी लेयर लगाएंगे, आधो जाई में छोड़ दो, और अब जाके बाद लेंगे हम चावल। जे दोस्तों चावल है, जे 1.5 गिलास चावल है, जाए हमने 70 से 80% तक कुक कर लो पहले ही। अब जाए दिखाओ, नहीं नहीं तो बहुत लंबी वीडियो हो जाती जाए। 70-80% 1.5 गिलास चावल पहले ही कुक कर लें, अब जाके लगाएंगे लेयर। जे देखो जे हमारा चिकन है, जाके ऊपर अब चावल डालते जाएंगे, जाके लेयर लगा लेंगे हम। जे देखो जाके मैंने एक लेयर जा में लगाई दी है, और दे अब और अच्छे दिख रहे हो। अब जाके ऊपर तक हम डालेंगे जब बरिश्ता करते हैं प्याज, जा कुछ ना करना प्याज है, प्याज है फ्राई करके कालो कर लेना है बस, वो बरिश्ता प्याज कह देते हैं बात है, और भाई है प्याज फ्राई जे डालेंगे जाके ऊपर। जो पहले तो हमने 2-3 प्याज फ्राई कर ली तेल में, तेल में अच्छे से फ्राई कर लेनी है जिन्हें काली है जावे एकदम, और बाकी बाद जाके ऊपर तक डालेंगे थोड़ा सा धनिया, और थोड़ा सा डालेंगे पुदीना। धनिया पुदीना दोनों बहुत ही ज़रूरी है बिरयानी में, जाके बिना मज़ा ना आता है। ये सब डाल दो, अब ये सब डालने के बाद दोस्तों जहाँ में हम अपना जो हमने अलग निकालो चिकन,
ये वालों डोंगा वालों जाओगे जाके ऊपर डाल देंगे, प्लेस कर देंगे, लेयर लगा रहे हैं एक तरह से, समझो परतें लगा रहे हैं, पहले नीचे चिकन फिर चावल फिर बाके ऊपर चिकन फिर बाके ऊपर चावल। अब जी हमने जय सेट कर देंगे, थोड़ा सा ऐसे फैला देंगे चारों तरफ चिकन है, और बाके बाद अब जो है जो बचे हुए हमारे चावल है उन्हें जाके ऊपर धर देंगे। तो बचे हुए हमारे आधे चावल पहले धर दे, अब बचे हुए चावल की जा पे लेयर लगा देंगे। ये दोस्तों जाके ऊपर दूसरी मैंने देखो चावल की लेयर लगा दी है। अब जाऊ के ऊपर सेम वही करेंगे, पहले जो बरिस्ता डाल देंगे प्याज तली हुई हमारी अच्छे तक पूरे में फैला दे। अब बरिस्ता डालने के बाद वही पुदीना थोड़ा बहुत और थोड़ा धनिया, धनिया पुदीना डाल देंगे ऊपर तक अच्छे तक। अब दोस्तों जाके बाद ऊपर तक डालेंगे हम 2 चम्मच घी डालेंगे, जहाँ में 2 से 3 चम्मच जैसा पसंद हो। बाके बाद दोस्तों ये देखो ये दूध है, दूध में मैंने कलर डाल लो, बिरयानी में क्या कलर के रंग बिरंगे चावल होते हैं तो अच्छे लगते हैं, जैसे वो ऑप्शनल है, डालो है डालो, नहीं डालो मत डालो, दूध डाल लो है, लेकिन दूध डाल लो है हमने बाई में कलर डाल दो है, जाओ अच्छे से जहाँ पर डाल देंगे तो क्या कलरफुल से आ जाते चावल थोड़े। दोस्तों ये लेयर पेयर सब सेट करके दूध ही डाल के अब जाए हम ढक देंगे 5 मिनट का, जो ढक देंगे जाए 5 मिनट का जो ढक दें और गैस रखें लो। दोस्तों लगभग 5-7 मिनट जाए है गए, अब जाए हम जो है उठाई लेंगे और जालंग आप दिख रहा होगा जी मैंने कोयला सुलवा लो है एक गैस पर, तो जाए हम स्मोकी फ्लेवर देंगे। अब जा ढक्कन हटाएंगे पहले, ये देखो हल्को सा धुआं निकलो है। अब जाके बाद जहाँ में हमें कटोरी प्लेस करेंगे, ये देखो कटोरी मैंने छोटी थी जहाँ में प्लेस कर दी है। अब जहाँ में घी डाल के थोड़ा सा जाके ऊपर तक घी डालेंगे और बाके बाद जाए तुरंत ही बंद कर देंगे, देखो थोड़ा सा मैंने घी डाल दो, बाके बाद जाए कर देंगे बंद अच्छे से ढक देंगे और जाके ऊपर तौलिया पोलिया डालते हो ताकि जो है धुआं ना निकले, और अब गैस को बंद कर देंगे और जाए हम 15 मिनट के लिए ऐसे और छोड़ देंगे। बहुत बढ़िया स्मोकी फ्लेवर बन के हमारी बिरयानी तैयार रह जाएगी। दोस्तों 15 मिनट रह गए हैं जाए, और अब देखो जाए मैं खोलूँगा और जाए कटोरी हम निकाल देंगे जाए मैं तो, और ये देखो हमारी बिरयानी जो है बन के तैयार है, देखो क्या बढ़िया बिरयानी बनी है। ओह मजा आ जाओ खा के एक बार ऐसे बनाओगे हांडी में, और जो हांडी हम पे हती तो हमने बना ली हांडी में, ना तो जाए कुकर में और चाहे तो भगोना में, मोटे तले को बर्तन होना चाहिए क्योंकि ताकि नीचे जले नहीं, मोटे तले के काऊ बर्तन में जाए स्टाइल से बिरयानी बना सके, तो देसी हांडी बिरयानी आज हमने बनाई है। तो दोस्तों चलो अब जाके प्लेटिंग करेंगे और बाकी बात जाए खाएंगे।